नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले कहा था कि मैं बहुत जल्द जो है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो है एक डिटेल एनालिसिस लेके आने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाला हूँ कि क्या सच में जो है वर्ल्ड वॉर थ्री की शुरुआत हो चुकी है, और अगर वर्ल्ड वॉर थ्री की शुरुआत हो चुकी है तो गोल्ड के प्राइजेस जो है हम लोगों को क्या हद तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इसके क्या कारण है कि वर्ल्ड वॉर थ्री की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि इस एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे 7 दिन का समय लगा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिल्वर के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि क्या वर्ल्ड वॉर थ्री की जो है शुरुआत हो चुकी है, तो इसके ऊपर जो है इमैनुअल टॉड करके जो है एक फ्रांस के लेखक है, बहुत बड़े हिस्टोरियन है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। इन्होंने साल 2022 में जो है एक किताब लॉन्च की थी, और इस किताब का टाइटल था वर्ल्ड वॉर थ्री हैज स्टार्टेड। अब ये वर्ल्ड वॉर थ्री हैज स्टार्टेड इनका ऐसा क्यों मानना है, ये मैं आप लोगों को एक संक्षिप्त रूप में जो है बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत कैसे हुई थी, कि मिलिट्रीज्म से, क्योंकि सारे देश जो है अपनी अपनी मिलिट्री जो है एकदम मजबूत कर रहे थे। उसके बाद में जो है बहुत ज्यादा जो है राष्ट्रवाद था, यानी कि जिसको नेशनलिज्म कहा जाता है, वो एक्सट्रीम लेवल पे था। लोग चाहते थे कि युद्ध हो और हमारा देश जो है सबसे महान देश बने। इसके बाद में जो है बहुत सारे अलायंसेस बन रहे थे, ट्रीटीज बन रही थी। ट्रीटीज इन द सेंस कैसे कि एक देश दूसरे देश के साथ में जो है ये ट्रीटी कर रहा था कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो हम आपका जो है साथ देंगे और उस देश के ऊपर जो है मिलकर हमला करेंगे। तो कुछ इसी तरीके का जो माहौल है दोस्तों, वो आज की डेट में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा जो है राइटर का मानना है। अब ये कैसे ये दिख रहा है, तो देखिए, एक तरफ आप देख रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसके बाद में जो है यूक्रेन को अमेरिका कहीं ना कहीं बैकहेंड से सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी इसके लिए जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद में जो रशिया है, रशिया को जो है चाइना का कहीं ना कहीं हम लोगों को बैकअप देखने के लिए मिलता है। अब जो है चाइना के जो राष्ट्रपति आज शायद जो है रशिया में भी है, जो 3 दिवसीय वार्ता करेंगे कि इस युद्ध को विराम कैसे लगाया जाए। लेकिन जो उनका मैनिफेस्टो है 12 पॉइंट्स का, वो यही है कि वो जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से जो है रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो उनकी जो डिमांड्स है या फिर जो उनका मैनिफेस्टो है उसके हिसाब से अब जो देश जो है जहां पे खड़ा है वहीं पे खड़ा हो जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि रशिया ने जो यूक्रेन का इतना सारा भाग जो है अभी कब्जा लिया है तो वो जो है अभी जो है छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो इसकी वजह से हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि वर्ल्ड वॉर थ्री की जो है शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो नए नए जो है अलायंसेस बन रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा एक ऑकस करके अलायंस है, उसी के साथ साथ जो है क्वाड भी बना है। क्वाड में भी जैसे हमारा भारत है, उसके बाद में जो है जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। और इस तरीके से जैसा हम लोगों को वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत में देखने के लिए मिला था, या वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद में मिला था, कि बहुत सारे दुनिया के जो देश थे वो गरीब हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उससे पहले, वर्ल्ड वॉर वन से पहले, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश कौन से थे, वो थे इंग्लैंड और फ्रांस। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने सारी दुनिया पे जो है कब्जा करके रखा हुआ था, सारे दुनिया के जो देश थे इनके जो है गुलाम थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री पे जो था इन लोगों का राज था। वो लोग वहां से जो है बहुत सारा माल अपने पास में इंपोर्ट करते थे, उसके बाद में जो है गोल्ड और ऐसी महत्वपूर्ण महंगी चीजें जो है अपने यहाँ पे लेकर जाते थे। तो अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद में क्या हो गया, ये दोनों देश तो जो है गरीब हो गए, उतने भी गरीब नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो देश जो है गरीब हो गए, और अमेरिका एक नई सुपर पावर बन के जो है हम लोगों को बनते हुए देखने के लिए मिला। उसका कारण क्या था? उसका ये कारण था कि अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर वन में उतना ज्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं था, एकदम एंडिंग एंडिंग में वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिका आया था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसकी वजह से जो यूरोप है इसमें जो है अमेरिका के प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकने लगे। और वर्ल्ड वॉर वन के बाद में हम लोगों को देखने के लिए मिला कि फ्रांस और जो इंग्लैंड है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ, और इसी की वजह से यही एक कारण था दोस्तों कि दुनिया का 60% जो गोल्ड था वो अमेरिका के पास में वर्ल्ड वॉर वन के बाद में पहुंच गया था। और इसीलिए जो है गोल्ड जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा आप लोग मान के चल सकते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू हुआ, तो वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने के पीछे भी बहुत सारे कारण थे, वो सारे कारण मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए नहीं बैठूंगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद में भी, 1945 के बाद में भी, अमेरिका ने कहीं ना कहीं जो है गोल्ड अपने पास में जो है दुनिया भर का जमा करना शुरू किया, क्योंकि उसने जो है एक बैकअप दिया था कि 1 औंस गोल्ड जो है उसके बदले में जो है आप लोगों को $35 या $40 जो भी डॉलर रहे होंगे वो देने का जो है अमेरिका ने वादा किया था। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है डॉलर में ही अपना जो है व्यापार करिए। लेकिन दोस्तों ये सिचुएशन अभी हम लोगों को बदलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा एक्सट्रीम नेशनलिज्म उस टाइम पे हुआ करता था, वैसा ही एक्सट्रीम नेशनलिज्म बहुत सारी कंट्रीज जो है अपनाती हुई अभी हम लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो है युद्ध करके नहीं,
ये कैसा है कि इकोनॉमी को आगे बढ़ा के अपने पास में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड जमा करके उसके बाद में जो है अपनी करेंसी को ज्यादा वैल्यू देके, और अमेरिका का कहीं ना कहीं जो है लोग वर्चस्व कम करना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों ये जो सारी सिचुएशंस है, ये सारी सिचुएशंस हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से इस ओर इशारा कर रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कभी भी हो सकती है या फिर हो चुकी है। हालांकि दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए या फिर गोल्ड बहुत महंगा हो जाए। मेरा ये मकसद है दोस्तों कि मैं आप लोगों को आगाह कर सकूं कि गोल्ड जो है हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू जो है आपकी लाइफ में ऐड करता रहेगा, चाहे कोई भी करेंसी आएगी कोई भी करेंसी जाएगी। जब एक टाइम हुआ करता था कि इंग्लैंड की करेंसी सबसे ऊपर रहा करती थी, फ्रांस की करेंसी ऊपर रहा करती थी, उसके बाद में अमेरिका की करेंसी सबसे ऊपर हुई, उसके बाद में जो है आज ये सिचुएशंस बनी हुई है चाइना की वजह से कि कहीं ना कहीं जो है चाइना अमेरिका को एक कॉम्पिटिशन देने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा कि चाइना ने कट्टर दुश्मन ईरान और सऊदी अरबिया जैसे कट्टर दुश्मन को एक टेबल पर बैठाया और उन्होंने ये कहा उनसे कि आप लोग जो है अपने आपसी संबंधों को सुधारिए। इवन अभी एक दिन पहले की खबर है कि जो सऊदी अरेबिया है वहां ने उसने जो है ईरान के राष्ट्रपति को अपने देश में इनवाइट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तरफ जो है चाइना अमेरिका के साथ में कॉम्पिटिशन करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका जो है कहीं ना कहीं जो है चाइना को नीचे गिराना चाहता है, चाइना को जो है थोड़ा सा वो स्लो डाउन करना चाहता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि सारी कंट्रीज जो है गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। उसका रीजन ये है कि वो ये नहीं चाहती कि कभी भी कोई भी युद्ध हो या फिर कोई भी कारण से जो है अमेरिका जैसे देश पे जो है वो फुल्ली डिपेंड रहे। वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो खुद को है आत्मनिर्भर करे। इसके लिए दोस्तों वो लोग जो है अपने पास में गोल्ड का अत्यधिक भंडार जो है जमा कर रहे हैं, जिसमें टर्की जैसे देश भी शामिल है, और साथ ही साथ में जो चाइना है, चाइना का जैसा मैंने आप लोगों को एक वीडियो स्पेशल बना के बताया हुआ था कि चाइना कैसे अपने यहाँ पे गोल्ड बार बार इंपोर्ट कर रहा है, और जो गोल्ड उनके यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जो कि दुनिया का लगभग 15% होता है, वो कहीं पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ये वर्ल्ड वॉर होती है और इसके बाद में जो है गोल्ड की प्राइजेस की हम लोग बात करें तो मान के आप चल लीजिएगा कि ये जो है डबल पहुंच जाएंगे। इसके बाद में जो गोल्ड है अभी जो है हम लोगों को गोल्ड के प्राइजेस सेट करने में या फिर गोल्ड को अगर हम लोगों को बाई करना है तो कहीं ना कहीं जो है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोगों को कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिल सकता है कि चाइना के ऊपर जो है गोल्ड पूरा शिफ्ट हो जाएगा और हम लोग जो है चाइना को देखते हुए अपनी नीतियां गोल्ड को लेकर बनाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ा है। तो आप अगर इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। साथ ही साथ आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी या फिर शुरू हो चुकी है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।